पर नमस्ते भारत लगातार जारी है। देखिए कोरोना बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। नाइट कर्फ्यू भी कई राज्यों में लागू हो चुका है जिसमें चार लोगों के भी जमा होने पर पाबंदी है, लेकिन दिन में हजारों हजार लोगों के एक जगह पर जमा होने और वोट बैंक बनाने का खेल लगातार जारी है। एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है कि बंद करो रैलियां, लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने भी अपने अधिकारों की सीमा बताकर मजबूरी जाहिर कर दी। नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सबकी रैलियों में ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें बीते दिनों की हैं, लेकिन आज भी कमोबेश तस्वीर ऐसी ही दिखने वाली है। इन तमाम बड़े नेताओं की ऐसी ही रैलियां होने वाली हैं। जहां तक नजर जाए मुंड ही मुंड दिखाई देते हैं मित्रों। जरा कोरोना के खतरे के बीच आज नेताओं की होने वाली रैलियों की लिस्ट देखिए, जो काफी लंबी है। अयोध्या, बरेली और संत कबीर नगर में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। कानपुर देहात और रायबरेली में सीएम योगी रैली करेंगे, तो पंजाब के पटियाला में केजरीवाल शांति मार्च करेंगे। लेकिन जब से समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव आज रैली से आराम करेंगे क्योंकि दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अमित शाह का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। अयोध्या में रामलला के दर्शन और राम मंदिर निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे, जबकि बरेली और संत कबीर नगर में अमित शाह की विशाल जनसभा है। अयोध्या में तो अमित शाह के आने की तैयारी भी पूरी है। पूरी सड़क पोस्टरों से पटी पड़ी है। जरा अंदाजा लगाइए कार्यक्रम कितना बड़ा होगा और इन संकरी गलियों में कितनी भीड़ जुटेगी, और क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन हो पाएगा। अब सवाल है कि बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है उस पर रोक कौन लगाएगा, क्योंकि इसी काम के लिए यूपी दौरे पर गई चुनाव आयोग की टीम ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम एमसीसी लागू कर रहे हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एसडीएमए के अंतर्गत जो भी उनकी कार्यवाही होगी वो लोग करेंगे। यानी चुनाव आयोग ने तो नियमों और अधिकारों की दुहाई देकर सरेंडर कर दिया और आचार संहिता लागू होने से पहले नियम बनाने का काम प्रशासन पर छोड़ दिया। पर प्रशासन की कमान सरकार के हाथों में है, जिसे मुख्यमंत्री मंत्री संभालते हैं, और मंत्री ने चुनाव आयोग की मजबूरियों का क्या मतलब निकाला वो देखिए। यदि योजना बनेगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह होगा, और फिर वो इलेक्शन कमीशन के अंडर ही रहेगा, तो जिला के प्रशासन उसको डील करके अगर कोई इस तरह का व्यवस्था करेगा कि जो लोग हम लोग से सूची लेके कौन कौन से जिले में होम आइसोलेशन में संख्या अगर ज़्यादा है तो उनके घरों पर कैसे वोट करवाना है, वोट लेना, वो चुनाव आयोग ही करेगी। घर के करीब वोट दिलवाने का इंतजाम कर देंगे, लेकिन रैलियां नहीं रोकेंगे। कोरोना हो तो हो, चुनाव आयोग की ऐसी मजबूरी पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया है। रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक कुल तीन ट्वीट करके चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। सुरजेवाला ने ट्विटर पर चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी बताया है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने यूपी में मीटिंग की तब आयोग के मुताबिक किसी भी पार्टी ने रैलियां रोकने या चुनाव टालने पर सहमति नहीं जताई। इसमें सुरजेवाला की पार्टी भी शामिल थी। सवाल है कांग्रेस ने क्यों नहीं रैलियां जारी रखने का विरोध किया। ABP News आपको रखे आगे।